राष्ट्रीय लोकदल बढ़ा रहा है अपना कुनबा। संगठन के विस्तार व सदस्यता अभियान में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय। रामाशीष राय का बयान, प्रदेश में 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। लोकदल ने नारा दिया है, हर गांव हर बूथ रालोद की पहुंच। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने उठाया सवाल। कानून व्यवस्था पर रालोद करती है निंदा और सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार विफल हो गई है। जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास उठ रहा है, जिस तरह से मंत्रियों ने अपने विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, शिकायतें की है, यह स्थिति अत्यंत ही शर्मनाक है। इस सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का पर्दाफाश हो गया है। खाद्य पदार्थों पर जिस तरह से GST लगाई गई है, रालोद उसका कड़ा विरोध करती है। पूरे प्रदेश की जनता से व रालोद के कार्यकर्ताओं से अपील है कि आज 23 तारीख को चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर रात 8 बजे सभी लोग अपने अपने घरों में थाली बजाएं और सरकार का विरोध करें। राष्ट्रीय लोकदल आज तो अपने संगठन के विस्तार के लिए यहाँ बैठक आयोजित किया था। हमारी सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। हमने 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। लोकदल ने नारा दिया है कि हर गांव हर बूथ लोकदल की पहुंच। उसी संदर्भ में यहाँ हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया है। दूसरी बात कि लोकदल ने कानून व्यवस्था की जो स्थिति है प्रदेश में उसकी भर्त्सना करता है और उसकी निंदा करता है और सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार विफल हो गई है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार में बैठे मंत्रियों ने अपने विभागों को लेकर के भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायतें किए हैं, वो स्थिति अत्यंत ही शर्मनाक है। और इस सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जो है उसका पर्दाफाश हो गया है। दूसरा कि खाद्य पदार्थों पर जिस तरह से GST बढ़ाई गई है, राष्ट्रीय लोकदल उसका कड़ा विरोध करता है। हमने पूरे प्रदेश में जनता से भी और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि 23 तारीख को भगत सिंह की जयंती है और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है और लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। उस दिन रात में रात्रि 8 बजे खाली थाली अपने अपने घरों में बजाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे। आज वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ने के लिए CBI और ED का प्रयोग कर रही है, प्रलोभन का प्रयोग कर रही है और उसी का नतीजा है कि प्रकाश राजभर